हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, केवल एक सिलाई की डिजाइन है फ्रेंड्स, और तीन सिलाई आपको सीधा उल्टा में केवल बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन जो है टू के मल्टीपल बनेगा, प्लस टू फंदा लेंगे तो आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में, ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कैप में, आपकी ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, हम डिजाइन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिए हैं 20 फंदे। चलिए डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट फंदा है, इसे स्लिप करके देखिए, पूरी सिलाई को हमें फर्स्ट रो को ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को जरूर चलाइएगा और देखिएगा डिजाइन कैसी लगी। देखिए, ये फर्स्ट रो है, इसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब हमारा ये सेकेंड रो है, बैक साइड। तो देखिए, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा है कि ये जो है थ्री सिलाइयों का जो है आपको सिर्फ सीधा उल्टा बनाना है। तो देखिए, ये दो सिलाइयाँ हमारी ये सीधा और उल्टा ऐसे बना करके कंप्लीट कर लेना है। आप कोई भी बॉर्डर बना लीजिए, बॉर्डर बनाने के बाद आप बैक साइड से फंदे वगैरह जो बढ़ाना हो ना उसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने नॉर्मल उल लिया है और 18 नंबर का नीडल्स है, ठीक ना। तो देखिए, ये हमारा सेकेंड रो कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमारा ये थर्ड रो है, यहाँ पर हम अपना सेकेंड कलर हम यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे। तो हमने लिया है वाइट कलर, अब यहाँ इसको हम नॉट लगा देंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमने यहाँ पर नॉट लगा लिया है, इसको ऐड कर लीजिए। आप जो भी कलर आपको लगा रहे हैं ना तो उसे आप ले लीजिए। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ फर्स्ट फंदा आप स्लिप कीजिए या बुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम कलर चेंज करते हैं तो अपना ये फर्स्ट फंदा बुनाई करते हैं। इसके बाद धागा आगे लाएंगे और एक देखिए, ये जाली वाला फंदा हम बना लेंगे। ये साइड का एड स्टिच हमने बुना है और इसके बाद एक जाली वाला फंदा हमने बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए, एक फंदा हम ये उल्टा बुनेंगे और इससे अभी ड्रॉप नहीं करना है। और इसके बाद हम ये सेकेंड फंदा भी साथ में लेंगे, देखिए इसको भी हम बुन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ये साइड का एड स्टिच है, ये जाली वाला फंदा, दो फंदे हमने बुना है। अब इस फंदे को ना, जो जाली वाला फंदा है, इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। देखिए, बहुत ही इजीली हो जाता है। आप धागे को पकड़े रहेंगे ना और इसको ऐसे उठा के ड्रॉप कर देंगे, बड़ी आसानी से हो जाता है। फिर देखिए, यही रिपीट करेंगे, वन ऐसे जाली वाला फंदा डालेंगे, वन फंदा हमने बुना, अब इसे ड्रॉप नहीं करेंगे। देखिए, पहले हम ये सेकेंड फंदा भी साथ में लेंगे और इसको बुनेंगे, इसके बाद इसे हम ड्रॉप कर देंगे। और जो ये व्हाइट वाला हमने जाली वाला फंदा लिया था ना, इसके ऊपर से ऐसे हम इसको देखिए ड्रॉप करेंगे। अब यही आपको रिपीट करना है। देखिए, वन यहाँ पर हमें पहले एक जाली वाला फंदा लेना है, फिर वन फंदा बुनेंगे, फिर इसके बाद ये साथ में सेकेंड फंदा भी हम बुन लेंगे, देखिए इस तरीके से। और ये फंदा जो है ना, इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए, हमारे फंदे भी नहीं बढ़े हैं, और जिस तरीके से आप इस तरीके से बना लीजिए। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक जाली वाला फंदा एक्स्ट्रा लेंगे, फिर वन फंदा बुना, फिर ये सेकेंड फंदा बुनेंगे, और इसके ऊपर से हम इसको ऐसे देखिए ऐसे ड्रॉप कर देंगे। इसी तरीके से आपको करना है। देखिए, एक जाली वाला फंदा लेंगे और वन फंदा बुनेंगे, फिर ये साथ में सेकेंड फंदा भी लेंगे, इसको भी बुनेंगे, और ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से। फिर जाली वाला फंदा बनाएंगे और देखिए, यहाँ पर वन फंदा बुनाई किया, फिर ये सेकेंड फंदा बुनाई किया, और देखिए इसको ड्रॉप कर देंगे। और ये जाली वाला फंदा जो है ना, इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप करेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर जाली वाला फंदा लिया, वन फंदा बुना, और फिर ये सेकेंड फंदा साथ में बुनेंगे और इसे ड्रॉप करेंगे। ये जाली वाला फंदा जो है, इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। फिर देखिए, ये जाली वाला फंदा लेंगे, वन फंदा बुना,
और ये फिर साथ में हम ये सेकेंड फंदा भी बुनेंगे और ये जाली वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। फिर देखिए वन फंदा ऐसे लिया जाली और ये वन फंदा बुना, फिर साथ में ये टू फंदे बुनेंगे और ये जाली वाला फंदा इसके ऊपर से हम ड्रॉप कर देंगे और ये साइड का एड स्टिच है, इसको हम सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये डिजाइन पैटर्न का थर्ड रो कंप्लीट हो गया है। रो फोर है बैक साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ये पूरी सिलाई को इस तरीके से हमें सीधा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। देखिए ये पूरी रो इस तरीके से हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। तो देखिए ये डिज़ाइन इस तरीके से बनकर आया है। अब फिर इसके बाद हम यहाँ से देखिए अब अपना यही पैटर्न रिपीट करेंगे। तो यहाँ हम पहले इससे दो सलाइयाँ आपको बनानी है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो है यहाँ से आप इस तरीके से आप स्टार्ट करिएगा, फर्स्ट रो से इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। ये दो सलाइयाँ आप इससे सीधा सीधा ऐसे बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स वन से लेके फोर रो यही रिपीट करते जाएंगे तो आपकी देखिए कितनी प्यारी और खूबसूरत सी एकदम डिजाइन पैटर्न बनकर आएगी। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, केवल एक सिलाई की डिजाइन है और देखिए कितना प्यारा सा ये डिजाइन बनकर आया है फ्रेंड्स। इसे किसी भी प्रोजेक्ट में, ऑल प्रोजेक्ट में आप अपना सकते हो। और ये जो है ना देखिए बैक साइड से इस तरीके से दिखता है और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। तो फ्रेंड्स इसे बनाइए, अगर आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।